चलिए दोस्तों जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उत्तर प्रदेश में 23% महंगी हो सकती है बिजली। गर्मी शुरू होते ही लोगों को लगा बड़ा झटका। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने छोड़ा मंत्री पद। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूर किए इस्तीफे। मध्य प्रदेश में टॉपर छात्राओं को स्कूटी। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये। किसानों के लोन का ब्याज होगा माफ। शिवराज सरकार ने बजट किया पेश। फ्री राशन लेने वालों पर आई मुसीबत। सरकार ने लिया सख्त कदम। आयकर दाता और सरकारी कर्मचारियों के राशन कार्ड हुए रद्द। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी। आवेदन 17 मार्च से शुरू। कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 17% इजाफा। 4 घंटे की हड़ताल के बाद झुकी सरकार। सरकार ने जारी की किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त। खाते में नहीं आए पैसे तो तुरंत तहसील कार्यालय में करे शिकायत। अप्रैल से ही महंगा हो जाएगा हवाई सफर। अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट के चार्जेस में बढ़ोतरी का रखा प्रस्ताव। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले कहा हर घर तक बिजली पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। होली से पहले आम जनता को झटका। घरेलू एलपीजी सिलेंडर हुआ 50 रुपये महंगा। एयरटेल वाले सुनील मित्तल बोले कहा इस साल महंगे होंगे सारे प्लान तभी चल पाएगा कारोबार। मध्य प्रदेश में 1,00,000 नौकरियां टॉप आने पर छात्राओं को स्कूटी। शिवराज के बजट में हुआ ऐलान। झारखंड के अस्पतालों में दिखा डॉक्टरों की हड़ताल का असर। इमरजेंसी में भी इलाज मुश्किल। कांग्रेस ने कहा सत्ता में आए तो गैस सिलेंडर की कीमत करेंगे 500 रुपये से कम। महंगाई का एक और झटका। 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गए दूध के दाम। हिमाचल प्रदेश सरकार लेगी नया हेलीकॉप्टर। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। HDFC बैंक ने किया होम लोन की ब्याज दरों में इजाफा। चुकानी होगी ज्यादा EMI। गहलोत सरकार का महिलाओं को तोहफा। 1 अप्रैल से रोडवेज की बसों में लगेगा आधा किराया। आंध्र प्रदेश राज्य में बनने जा रहे 3,000 मंदिर। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जरूरी कदम। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम मान। कहीं मुद्दे पर होगी चर्चा। शांति बनाए रखने के लिए नोएडा में 31 मार्च तक धारा 144 लागू। दिल्ली NCR में बदला मौसम। तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी। झारखंड सरकार 65,000 शिक्षक व कर्मचारियों को देगी तोहफा। मिलेगा पेंशन और EPFO का लाभ। कर्नाटक में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। पूर्व कमिश्नर भास्कर राव ने छोड़ी पार्टी। BJP में हुए शामिल। बंगाल में एडिनो वायरस का कहर जारी। 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत। दहशत में है लोग।